एक्सपोनस, जी हाँ एक्सपोनस एक BSF कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी अच्छा पॉपुलर होने लगा है मार्केट में और काफ़ी शानदार रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड के बारे में, कैसे, जैसे कि एक्सपोनस क्या है, एक्सपोनस के अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है और उसके अलावा एक्सपोनस का मोड ऑफ एक्शन क्या है, एक्सपोनस को कौन कौन सी फसल में कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा एक्सपोनस के साथ क्या हम दूसरे दवा को भी मिला करके एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और इसको कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, इसका प्राइस कितना है, पूरे डिटेल्स में आज हम BASF कंपनी का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो ले आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपोनस क्या है। एक्सपोनस एक BASF कंपनी का न्यू इंसेक्टिसाइड है जो कि आपको कठिन कीड़ों पर भी काफ़ी अच्छा शक्ति प्रदान करता है और ये एक बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली कीटों को भी आसानियों से कंट्रोल कर लेता है। तो इतना इसका पावर अगर है तो क्या इसमें केमिकल कंपोजिशन दिया है, तो एक्सपोनस के अंदर आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड जो कि 300 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से SC फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है। अब SC फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, SC फॉर्मुलेशन का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट जो कि गाढ़े सफेद कलर का लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है। और हाँ, इस कंपोजिशन का दवा अभी तक किसी कंपनियों के पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लोग ब्रोफेनिलाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो BASF कंपनी का एक्सपोनस का ही लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपोनस का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी एक्सपोनस को स्प्रे करने पर कैसे ये इल्लियों को मारता है। तो एक्सपोनस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी क्या होता है, जैसे अगर आप लोग इसको स्प्रे करते हैं तो एक साथ में ये विभिन्न प्रकार इल्लियों को मारता है और इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। और इसका मोड ऑफ एक्शन सबसे यूनिक है। कैसे, ब्रोफेनिलाइड एक मेटाडाइमाइड लार्विसाइडल प्रभाव है जिसमें गाबा यानी गेटेड चैनल एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर्स नर्व एक्शन के साथ इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। और उसके अलावा एक्सपोनस के अंदर आप लोगों को रेसिस्टेंट पावर भी दिया हुआ है। रेसिस्टेंट पावर यानी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। जैसे कि अगर आपका किसी भी फसल में कीड़ा का प्रकोप हो चुका है और उसमें आप बार बार कई तरीके की इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं फिर भी कीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप BASF कंपनी का एक्सपोनस को स्प्रे करने पर ऐसे कीड़ों को भी तुरंत मार देता है क्योंकि ये एक ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है जिसका कि कोई क्रॉस रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिलता है और ये कीड़ों का नर्व सिस्टम पर भी अटैक करके कीटों को भूखा मार देता है। और उसके अलावा एक्सपोनस में और एक बहुत ही अच्छा फायदा दिया हुआ है। तो क्या ऐसा फायदा है, तो इसमें आप लोगों को स्प्रेडर भी दिया हुआ है। अब स्प्रेडर यानी क्या होता है, स्प्रेडर यानी जैसे आप लोग एक्सपोनस को किसी भी पौधे में स्प्रे कर रहे हैं और किसी एक पत्ते में एक्सपोनस का बूंद पड़ता है तो वो तुरंत पूरे पत्ते में फैल जाता है जिसके कारण जो भी छुपे हुए कीट रहते हैं सभी को ये एक साथ में ख़त्म करता है और इसीलिए ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है। अब बात कर लेते हैं एक्सपोनस कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है। तो एक्सपोनस हेलिकोबेरपा आर्मीगेरा जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करता है, उसके अलावा काट वर्म को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है, सेमिलोपर तो को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ फ्रूट एंड शूट बोरर और थ्रिप्स को भी काफ़ी शानदार तरीके से कंट्रोल कर लेता है। बात कर लेते हैं एक्सपोनस को हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो एक्सपोनस को आप लोगों को मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, सोयाबीन, चने में किसी भी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपोनस का डोज, यानी हम लोग एक्सपोनस को कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे हाथ में ये जो एक्सपोनस का फाइल देखने के लिए मिल रहा है, ये है 17 ml का एक्सपोनस का फाइल और 17 ml को आप लोगों को एक एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपोनस के साथ क्या हम दूसरे और भी दवा को मिला करके एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, इसके साथ किसी भी फंगिसाइड को किसी भी टोनिक को एक साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए हर्बिसाइड को नहीं मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं एक्सपोनस का प्राइस के ऊपर, जो कि मार्केट में कई किसानों का दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों एक्सपोनस का जो प्राइस होता है मार्केट में लगभग 1100 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन रेट के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें क्योंकि रेट हर स्टेट पर हर मार्केट में अलग अलग हो सकता है। और अगर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है तो आप लोग एक्सपोनस का जरूर यूज करके देख सकते हैं।
तो ये था दोस्तों BASF कंपनी का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।